और स्वागत करता हूं आपका फिर से इनक्रेडिबल व्लॉग्स में। कल वाले व्लॉग में आपने देखा होगा, पापा वगैरह सब गए थे कार्ड को गणेश जी के चढ़ाने के लिए। तो वही जो कार्ड सब मुझे देने हैं, कुरियर करने हैं रिलेटिव्स को। ओके, इनक्रेडिबल आर्मी गाइस, आज है हमारा चीट डे और हम निकले हैं एमआई रोड पे आपको एक फूड टूर करवाने के लिए। एक शानदार सा टेस्टी सा जयपुर गुलाबी नगरे का फूड टूर होने वाला है, तो आप देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे खाते रहिए। मुंह से लाल टपक समझ जाना है कि चीज एकदम लाजवाब है। मैंने सुना था कि इसे खुल गया। नहीं, वो न्यूज़पेपर में ऐड दिया था वही ना। हाँ, वो इसलिए दिया था कि उस टाइम हमारे को जैसे आज आशा है ना, वैसे आशा थी कि आज खुल जाएगा। अच्छा, तो पत्रकार आए थे, उन्होंने बोला कल खुल जाएगा, आशा थी नहीं कि खुलने का था। अच्छा, वो कंफर्म नहीं था कि खुलेगा कि नहीं खुलेगा, आशा थी। तो उसने अखबार में भी, अगर जो दिमाग से पढ़ा है ना उसने सही पढ़ा है, बाकी तो ऐसे खुल गया पढ़ा है। हाँ, वो मैं बिना दिमाग वाला ही हूँ। तो दिनेश जी, राम राम। क्या हाल है? बढ़िया यार, क्या करवा दिया यार, खुलाओ यार। आज आ रहे हैं ना टीम हमारी, आज खर्चा ही बहन नहीं यार। अभी तो मैं कह रहा हूँ ना, जो भी दुकान वाले खोल रखे हैं ना, 2000 रुपए पर डे नुकसान में। अब आप दे रहे किराया बिजली और जो दो आदमी रखते हैं ना वो, और हमारा तो आप रहने दो, चलो हम तो आगे चले जाते हैं। जो शॉप ओनर है वो तो आगे चले गए, कोई बात नहीं है, लेकिन इनका तो देना पड़ ही रहा है। सही बात। और ग्राहकी के नाम से 4-5 प्लेट का काम हो रहा है। तो गाइस, मसाला चौक जो आप लोगों का फेवरेट हुआ करता था, फेवरेट है भी अभी भी, बट उसका अभी सीन ये चल रहा है कि सिटिंग जो है, वैसे तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करी हुई इन लोगों ने, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि अच्छा नहीं है, तो अभी थोड़ा बंद हो रखा है। बट आज, जैसे कि आज हम यहाँ पर आए, तो इन्होंने ये बोला है कि आज अधिकारी आएंगे यहाँ पर, टीम आएगी उनकी, तो वो लोग डिसीजन लेंगे कि इसको खोला जाएगा या नहीं खोला जाएगा। बाकी यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आप यहाँ से सामान लेकर के जा सकते हैं बाहर, जैसे यहाँ पे आओ टेक अवे, तो टेक अवे वाला भी है, आप कूलर वाली चाय, बट अभी तंदूर वाली चाय नहीं मिल रही यहाँ पे, और लस्सी वगैरह पोहे वगैरह आप यहाँ से लेकर के बाहर जा सकते हैं, बाहर जाके आप खाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड की वजह से अभी ये थोड़ा सा बंद है। मेरा जो पॉजिटिव वाइब जो बोल रही है वो ये कह रही है कि आज शायद खुल जाएगा, और आप लोगों के लिए जो मसाला चौक सबका फेवरेट है, जयपुर राइट्स का सबका अच्छा फेवरेट है, तो आज खुल जाएगा, तो आप यहाँ आ सकते हैं, बट डिसीजन के बाद में आए, क्योंकि अभी आने का कोई फायदा नहीं है। We'll be right back.
गाइस आप इनको फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर भी। ये जो ये वाले लस्से वाले हैं ये सबसे पुराने वाले लस्से वाले, यहाँ पे बहुत सारी ब्रांच है, जस्ट इसके नेक्स्ट एक ब्रांच है, बट जो ओरिजिनल है वही ओरिजिनल है। इनकी शॉप ओरिजिनल शॉप है, किशन लाल गोवेलाल अग्रवाल जी की ये शॉप है और यही ओरिजिनल शॉप है पूरे जयपुर में। एम आई रोड पे आप आओगे तो आपको दिख जाएगी ये शॉप। अगर आप फूटी हैं जयपुर में, अगर आपको आकर के देखना है कि क्या क्या हम खा सकते हैं पी सकते हैं, तो एम आई रोड पे ये लोकेशन लस्सी वाला, तो अंकल के पास जरूर आइएगा, लस्सी पिएगा। बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट है, ज़्यादा महंगी नहीं है और आप यहाँ पर आ सकते हैं और लस्सी पी सकते हैं आराम से। तो मैं और कृष्ण आज भी यहाँ आए थे, आज सुबह निकले थे कि आज अच्छी अच्छी जगह हम कवर करेंगे। मसाला चौक जैसे कि आपने देखा वहाँ थोड़ा सा बंद है और लस्सी तो हमने वहाँ पर भी पी थी, लेकिन ये वाली लस्सी जो है वो अल्टीमेट है। आपको ऐसी लस्सी जयपुर में कहीं नहीं मिलेगी। तो भाई अब हम आ चुके हैं बिल्कुल 5:32 जो है उसके कॉर्नर पर आ चुके हैं। अगर जयपुर में आए हो आप तो एक बार ज़रूर यहाँ पर कचौरी समोसे ज़रूर ट्राई करें और आपको दिखाएंगे। कचौरी खाएगा? कौन सी कचौरी खाएगा? दाल की कचौरी। दाल की कचौरी खाएगा? समोसे बनाते हुए देख मेरा कचौरी खाने का मन कर गया है। दिमाग खराब नहीं, समोसे खाएंगे, समोसे बन रहे गरम गरम। देखो समोसे तो क्या होता है, समोसे और कचौरी में बहुत बड़ा फर्क है। कचौरी गोल होती है, समोसा ऐसा होता है। आर यू कॉमेडी मी? समोसे ले लिए हमने और अब खाएंगे और सिनेमैटिक वीडियो आपने देख लिए होंगे, उसके बाद में जलमहल पक्का। अब जलमहल दूर नहीं। तो गाइज ये रहा आइसक्रीम पार्लर जलमहल और अब हम अंदर जाएंगे और ये है एंट्रेंस इसका और 5:32 क्रॉस करते ही आपको ये पार्लर दिख जाएगा। तो हम जलमहल अभी आ चुके हैं और जलमहल आइसक्रीम जैसे कि सबको पता है कि जयपुर की सबसे फेवरेट आइसक्रीम, वफल्स, यहाँ पे शेक्स, केक जो भी है सारे जलमहल के सबसे ज़्यादा फेमस है। तो धर्मवीर सिंह जी जो है वो अपन को बताएंगे कि क्या यहाँ की स्पेशलिटी है, कब ये बना था और क्या क्या यहाँ पे होता है और किस तरह की जेंट्री यहाँ पे आती है। तो आप मुझे बताइए कि सबसे पहले तो अभी लॉकडाउन के बाद में क्या इफेक्ट पड़ा है आपके यहाँ पे? ज़्यादा फर्क पड़ा ही नहीं है। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है? अच्छा, और जैसा कि अगर मैं पूछूं तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे लोग वेफल्स खाते हैं, संडे खाते हैं या फिर क्या, ऐसी कौन सी आइसक्रीम है जो यहाँ की ज़्यादा फेमस है? सबसे ज़्यादा संडे और शेक ज़्यादा पीते हैं लोग यहाँ पे, शेक और संडे। अच्छा, तो कितना टाइम हो गया इसको खोले हुए आपको एम आई रोड पर? ये 1952 से चल रहा है। 1952 बहुत पुराना है मतलब। तो अब थोड़ा सा टूर कराते हैं यहाँ का कि क्या क्या यहाँ पे स्पेशल चीज़ें हैं, क्या क्या यहाँ पे आपको खाने लायक है, क्या क्या देखने लायक है और फोटोग्राफी जो आप करना चाहते हैं यहाँ पे तो आराम से कर सकते हो आप। तो अभी आपको मिलेगा यहाँ का थोड़ा सा वर्चुअल और सिनेमेटिक टूर। डिफरेंट वेरिएंट की आपको आइसक्रीम मिलेगी। मैं आपको वेरिएंट अंदर से दिखाता हूँ कि कौन कौन से इनके पास टेस्ट है, कौन कौन से फ्लेवर है और ऐसे ऐसे फ्लेवर हैं जो आपने शायद कहीं भी नहीं खाए होंगे। जामुन का है, ये अमरूद का है और बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट्स हैं यार इनके। इनके बारे में भैया आपको अच्छे से बताएंगे। ये सीताफल है, टेंडर कोकोनट है, लीची है, रेड वेलवेट, बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट आपके वेरिएंट्स मिलेंगे। पान है, ये वाला पान फ्लेवर है, है।
ये कौन सा है? ब्लैक करंट है यहाँ पे। अच्छा, और संतरा मंत्रा बहुत ही डिफरेंट यहाँ पे आपको फ्लेवर मिलेंगे। अच्छा, और भी यहाँ पे ओहो खजाना है भाई, ओ खजाना। यहाँ पर एक बार अगर आप आ गए ना तो वापस आप ये यहाँ से कुछ ना कुछ तो आप खा के जाओगे, ये तो मेरी गारंटी है। क्योंकि इनको वेराइटीज नहीं कहते, भंडार है यहाँ पे। ये देखो कितने आपके पास फ्लेवर्स है, कितने। और मैं कह रहा हूँ एक एक बार सबको टेस्ट कर लोगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा। फिल्ट्री काफ़ी अच्छी है, यहाँ की जो मेहमान नवाजी है वो आप देखना, बहुत ही शानदार है। और एक बार प्लीज़ आइए यहाँ पे और आइसक्रीम आप इनसे खाकर जाइए। उन्होंने ब्राउनी लिया, मैंने राजभोग लिया, तो काफ़ी अच्छा था उनका भी टेस्ट। पेट भर गया पर मन नहीं भरा मन नहीं भरा। मिलते हैं बाद में, और चलो बाय बाय कर दें।